फ्रीक्वेंसी होती है, ये बत्तियां हमें कंपन करती है, जो बत्ती कंपन करेगी वही अधिक आयामी वाली फ्रीक्वेंसी दर्शाएगी हमारे सामने। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे नीचे, तो आपको वहां दिख जाएगा कि कौन सी बत्ती कंपन कर रही है, जो बत्ती कंपन करेगी वो फ्रीक्वेंसी को दिखा देगी हमारे सामने। अच्छा, इसकी विशेषता है यह यंत्र स्रोत वोल्टेज परिवर्तन के से अप्रभावित रहता है, यह यंत्र 1/2 चक्र से कम फ्रीक्वेंसी अंतर को नहीं पढ़ सकता। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा विद्युत डायनेमिक फ्रीक्वेंसी मीटर। यह एक चल कुंडली प्रकार का यंत्र है, इसमें दो कुंडलियां एक्स तथा वाई होती है, जो एक दूसरे से समकोण पर रखी जाती है। दोनों कुंडलियों को एक धुरे पर चढ़कर दो जुड़े बेयरिंग्स पर आलम्बित किया जाता है। धुरे के साथ एक जुड़ा संकेतक होता है, यह पूर्वांगी पैमाने पर फ्रीक्वेंसी का मान दर्शाता है, क्योंकि यंत्र के प्रचालन के लिए डीसी आवश्यक होती है। अगर इस यंत्र में डीसी नहीं देंगे तो सप्लाई ना के बराबर रहेगी, ठीक है, इसलिए हम इसमें डीसी सप्लाई देते हैं। अतः एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए जो ब्रिज रेक्टिफायर तथा BRC1 तथा BRC2 संयोजित करते हैं, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए डायोड यूज करते हैं, सभी को पता है डायोड रेक्टिफायर। तो कुंडली एक्स के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर सी तथा कुंडली वाई के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक आर संयोजित किया जाता है। दोनों कुंडलियां एक डबल स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में आलम्बित होती है। इस यंत्र को रेशियोमीटर प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं, भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। आपके क्वेश्चन में आ जाए मान लो रेशियोमीटर किसे कहते हैं, तो रेशियो प्रकार का फ्रीक्वेंसी मीटर भी इसे ही कहते हैं। इसकी कार्यप्रणाली समझ लो, यंत्र को एसी स्रोत से जोड़ने पर कुंडलियों एक्स तथा वाई को ब्रिज रेक्टिफायर से रेक्टिफाइड डीसी प्राप्त होती है। तो हमने रेक्टिफायर को लगाया एसी को डीसी में बदलने के लिए। सामान्य अवस्था में दोनों कुंडलियों में बराबर तथा विपरीत दिशा में टॉर्क पैदा होता है, जो संकेतक को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। हमारे भारत में जो हम फ्रीक्वेंसी सप्लाई लेते हैं हमारे घर में हमारी कितनी है 50 हर्ट्ज, जो कि फिक्स है। फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज से कम अथवा अधिक होने पर कैपेसिटर सी के कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण कुंडली एक्स का टॉर्क क्रमश अधिक अथवा कम हो जाता है, जबकि कुंडली वाई का टॉर्क नियत रहता है परिवर्तन प्रतिरोधक आर जुड़े होने के कारण। इस प्रकार फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज से कम या अधिक होने पर परिणामी टॉर्क क्रमश कम या अधिक हो जाता है, और संकेतक पूर्वांगित पैमाने पर फ्रीक्वेंसी का कम या अधिक मान दर्शाता है। अच्छा, इसकी विशेषता है इस यंत्र का कार्य वोल्टेज परिवर्तनों से प्रभावित रहता है। वोल्टेज में कोई परिवर्तन होगा यंत्र काम करता रहेगा, इससे कोई लेकर नहीं आएगी यंत्र पर, ठीक है, क्या प्रभावित होता है। इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक होता है, यानी कि अनुपात में होता है। इस यंत्र के द्वारा एक लघु फ्रीक्वेंसी माप सीमा जैसे 40 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी मापन कार्य किया जा सकता है, परंतु सी तथा आर के मान परिवर्तित करके ही अन्य माप सीमाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। अच्छा, तीसरा टॉपिक अपना है मूविंग आयरन फ्रीक्वेंसी मीटर। यह एक चल लौह प्रकार का यंत्र है, यानी मूविंग आयरन। मैंने आपको बताया था मूविंग आयरन प्रकार का यंत्र किस प्रकार होता है, एसी और डीसी दोनों, ठीक है, जिसमें कुंडलियां एक्स की रखी जाती है, इसमें दो कुंडलियां एक्स तथा वाई होती है, जो एक दूसरे से समकोण पर रखी जाती है। समकोण का मतलब समझते हो, 90 डिग्री के अंतराल पर रखी जाती है। दोनों कुंडलियों के मध्य एक धुरे से जुड़ी गर्म लोहे की पत्ती होती है और संकेतक होता है। संकेतक मतलब समझते जा रहे हैं कि पॉइंटर, संकेत करता है, हां, संकेत करता है किसी चीज को। संकेतक दो जुड़े बेयरिंग पर आलम्बित होता है। कुंडली एक्स के श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक R1 तथा समानांतर क्रम में कुंडली L1 जुड़ी होती है। इसी प्रकार कुंडली वाई के श्रेणी क्रम में कुंडली L2 तथा समानांतर क्रम में प्रतिरोधक R2 जुड़ा होता है। दोनों कुंडलियों को कुंडली L के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर एसी स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, वहां आपको इसकी कार्यप्रणाली अच्छे समझ में आ जाएगी। यंत्र को एसी स्रोत से जोड़ने पर दोनों कुंडलियों में से विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ सप्लाई जाएगी तभी सप्लाई जाएगी, एक सप्लाई नहीं जाएगी, उसमें एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले टॉर्क पैदा होते हैं। जब स्रोत फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज से अधिक हो जाता है तो कुंडली L2 का इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाने के कारण कुंडली एक्स में से कुंडली वाई की अपेक्षा अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, फलतः कुंडली एक्स का चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है और यंत्र का संकेतक उच्च यानी हाई की ओर विक्षेप दर्शाने लगता है। इसी प्रकार स्रोत फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज से कम हो जाता है तो कुंडली L1 का इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाने के कारण कुंडली एक्स की अपेक्षा कुंडली वाई में से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, फलतः कुंडली वाई का चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल हो जाता है और यंत्र का संकेतक यानी निम्न लो हो जाता है। तो दर्शाता है कितना निम्न से निम्न मान दर्शाता है। देखो ये वाला इसका हाई सिरा है और ये वाला लो सिरा, लग जाएगी हाई वोल्टेज, लग जाएगा लो वोल्टेज, उसमें दे जाएगा कुछ भी मीटर कोई
यथा पता यानी कि एक्यूरेट दिखाता है, उसके साथ एक्यूरेट यथा पता के साथ नहीं जा सकता, केवल पूर्व निर्धारित मान से अधिक अथवा कम मूल्य का पता ही चल पाता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर का चौथा पॉइंट क्या है आपका, चौथा और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी मीटर। अच्छा, इसके लाइट से देखकर कोई काम नहीं है, यहाँ सारा काम किसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक का। यह एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आधारित यंत्र होता है जिसमें प्रायः एलईडी एलईडी के बल्बों क्या होती है, लाइट डायोड प्रवृत्ति इकाई के द्वारा उपयोग फ्रीक्वेंसी का यथार्थ मान अंकों में दर्शाता है। ये पॉइंटर नहीं होता है इसमें, इसमें सीधे किस में आते हैं, अंकों में आते हैं। उपयोग फ्रीक्वेंसी मापक यंत्र की माप सीमा 40 से 60 हर्ट्ज होती है। अच्छा, अब आता है हमें कितना पावर फैक्टर मीटर, कौन सा मीटर, पावर फैक्टर मीटर। हम जानते हैं कि किसी सिंगल फेज अथवा 3 फेज एसी परिपथ में पावर फैक्टर की गणना निम्न सूत्र की सहायता से करते हैं। अच्छा, मैं इसको ये कर दूं, किसी को क्वेरी तो पूछना है अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इंडिया विद्युत भाग